हम लोगों की मांग दरअसल एक ये है कि ये महंगाई के दौर में आप देख रहे हैं बस स्टैंड जो है कि हमारा पुराना मखलल चतुर्वेदी बस स्टैंड था, जहां हमारी गाड़ियां मतलब इन्हें संचालित होती रहती थी, मगर शासन के आदेश अनुसार उन्होंने कहा कि भाई यातायात पर कुछ मतलब प्रभाव पड़ता है, यातायात सुचारू रूप से दुरुस्त नहीं है, इसलिए आप लोगों को सूरजकुंड ग्राउंड में बस स्टैंड बनाया जा रहा है और वो भी अस्थायी तौर पर। हम लोगों ने शासन की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए हामी भरी कि चलो ठीक है, मगर अब वो अस्थायी उन्होंने बनाया और उसके बाद वो हमारी कोई सुध ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आए दिन ही देखने में आता है कि पैसेंजर जो भी आता है तो वो महंगाई का पूरा ठीकरा हमारे सर पर फोड़ता है और हमसे मतलब इस तरह की बातचीत करता है, वाद विवाद करता है, क्योंकि क्या है कि रिक्शा वाले उनसे अब वो कैसा क्या क्या, क्या मांगे आप? अभी हमारा यही है कि ये जो स्टैंड है ये वापस हमारा पुनः उसी स्थान पर दिया जाए, क्योंकि यहाँ कोई सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक है कि जब से बस स्टैंड आया है हम लोगों ने अपने हाथों से झाड़ू दिए, वहाँ झाड़ू भी जल्दी मिलती नहीं है, पानी का कोई इंतजाम नहीं है, शौचालय का कोई इंतजाम नहीं है और न ही सुरक्षा का इंतजाम है, और उसके बाद वहाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आते हैं जो कि ऐसी गाली गलौज डिमांड करते हैं, जैसे कि डिमांड कर पर उन्हें मतलब इन्हें कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, पैसेंजर ही परेशान होता है, वो भी भयभीत है और हमारे लोग भी मतलब नए मान को उनके भी कोई सुरक्षा का वो नहीं है। तो पुराना बस स्टैंड ठीक था, वहीं पे होना चाहिए। अभी भी जो और स्थान आते हैं उनको पता नहीं होता, तो उनसे ना जो ऑटो रिक्शे वाले वो ज़्यादा पैसे लेने लग जाते हैं, और वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ हो रही है, जैसे पानी वगैरह भी नहीं है और फिर टाइम वगैरह भी वेस्ट होता है, तो इसलिए वापस से हमारा पुराना वाला स्टेशन कर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सुरक्षा महसूस नहीं करता है, और उसके बाद ये स्कूल की बालिकाएं कॉलेज की जो फेरी राय रजूर से आती है इन पर अधिक भार पड़ रहा है, क्योंकि ये वहाँ उतरते 20 रुपये 10 रुपये ऑटो के देते, फिर वहाँ कॉलेज जाते, फिर इनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। मतलब इनको क्या है कि किराए में जो हम कंसेशन देते थे 10 रुपये 20 रुपये में, हम इनको खेड़ी ले जाते थे, उतना ऑटो वाले ले ले रहे हैं इनसे पैसे। अब ये मतलब